लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ भाग 42 स्पीडी रेलवे जीके की इस सीरीज में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि रेलवे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जितना भी टाइम बचा है अभी से जुट जाइए, इस बुक को मार्केट से परचेज कर लीजिए। जो जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ उतने पॉइंट आपको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ने हैं और लंबे समय तक उसको याद भी रखना है। ऐसा ना हो कि आगे आप बढ़ते जा रहे हैं या पिछला भूलते जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अपनी स्टडी में कम से कम 40% डेली का टाइम निकाल के रखिए रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो ये दी थी चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी? 1826 में। सिंधु सभ्यता की लिपि थी किस प्रकार की? तो ये थी चित्रात्मक। और स्वास्तिक चिन्ह जो है वो देन किसका है? ये है आपका सिंधु सभ्यता का। और हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था आपका 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर? तो ये है आपका पाकिस्तान में। अगर बात करी जाए ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी पिछले से पिछले वीडियो में, शायद आपको पता होगा। अगर पता है तो इसका राइट आंसर मुझको लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स पे। मोहनजोदड़ो की खोज की थी किसने करी थी? तो ये की थी राखल दास ने। किसने? राखल दास ने। और कब की थी ये आप लिख लीजिए। चलिए, ये करी थी 1922 में। और शायद आप कमेंट बॉक्स में मुझे लगता नहीं कि आंसर लिख के भेजेंगे, तो चलिए लिख लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो स्थित है इसकी खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में, और यह है सिंधु नदी के तट पर, जबकि हड़प्पा स्थित है रावी पर। ठीक है, हड़प्पा, और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, और इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम है जिसका। इराक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। देखिए आ गया हड़प्पा की खुदाई, सब कुछ आपके सामने अगेन। उपनिषेद की संख्या कितनी है? तो यह है आपकी 108, प्रमाणिक थे 13। उपनिषेद विषय वस्तु है दर्शन का, ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। और उसके बाद बात करते हैं इस बीच वाले सेंटर के लिए, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है क्या? अर्थवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो वो थे आपके विश्वामित्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? तो वो है नदी आपकी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो वो है आपका 10वां मंडल। और ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो ये है आपका 9वां मंडल। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपकी मनुस्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ में। उसके बाद बात करते हैं महाभारत, मतलब रचनाकार कौन थे इसके? वेदव्यास। का फारसी में अनुवाद किसने का जो किया था उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था रजम नामा। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में, डेथ हुई थी कुशीनगर में वर्ष 11, क्योंकि वर्ष एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो वो था आपका 563 ईसा पूर्व में बुद्ध जन्मे थे, और इनकी डेथ हुई थी 483 में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, और बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है आपका पिटक। बुद्ध चरित के लेखक हैं आपके अश्व घोष, और हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। सिखवाद का परिवर्तन 1500 ईस्वी, मतलब 16वीं सदी में हुआ था, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे आपके ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर, महावीर जन्मे थे वैशाली में, और डेथ हुई थी इनकी पावापुरी में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, और ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व बेथलहम में।
हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती के राजधानी थे उज्जैन, और नंद वंश का अंतिम शासक था आपका धना नंद। चंद्रगुप्त अनुयायी था किसका? तो ये था जैन धर्म का। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप तुरंत अभी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मैगस्तनीज, और इसने लिखी थी एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था इंडिका, पेज नंबर 146। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? तो ये अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद, जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? अपने पुत्र और अपने पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा उनका नाम था। अशोक का नाम अशोक है, ये कैसे पता चला कि हाँ वास्तव में अशोक का नाम अशोक था? तो एक मास्को में, एक मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरा मध्य प्रदेश में अभिलेख प्राप्त हुए थे, वहां पर पता चला कि अशोक का नाम अशोक था। उसके बाद बात करते हैं, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, श्रीनगर की स्थापना करी थी अशोक ने। हरी सेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है किसकी? समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मद्रथ। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुख ने, और रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, और कनिष्क की दूसरी राजधानी थी आपकी मथुरा। गुप्त वंश का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त, और दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। चरक थे क्या? आयुर्वेद के जनक। एग्जाम में आपसे पूछता है कि आयुर्वेद के जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो ये है आपके चरक। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को, भारत का मिल्टन हर्षल घोष को, ईरान के नापोलियन नादिर शाह को, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वो था आपका हरी सेन। मेहरौली में स्थित एक राजा चंद्र के लोह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति, और पुष्यभूति वंश का संस्थापक था आपका नर वर्मन। एग्जाम में कभी कभी आपको दे देता है वर्मन, और इसका सही नाम था एक्चुअली नर वर्धन। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हिंसांग को, और नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हिंसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वो था आपका बाण भट्ट, और हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था आपका 1/6 भाग। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था आपका दंती दुर्ग, और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी आपकी मान्य खेट। हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय, और सैयद वंश का संस्थापक था आपका खरीज खां। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? सॉरी, इसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। और जजिया कर का प्रचलन किया था किसने? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला कितनी बार किया था टोटल? तो ये किया था 17 बार, और पहला आक्रमण किया था उसने 1001 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मैक्सिमम किस शासक ने या फिर राजा ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये था महमूद गजनवी। और संख्या पूछेगा कितनी बार किया था, तो ये था आपका 17 टाइम्स। 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो ये लूटा था महमूद गजनवी। कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको? जैनुल आबदीन को, पेज नंबर 147। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, और मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना हुई थी 1206 में, और किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था, शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखना क्या पूछेगा आपसे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था स्टार्ट? तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन करवाया था उसको कंप्लीट तो इल्तुतमिश ने। लाख बक्स कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को,
मोहम्मद गौरी ने पहले अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, चार ऑप्शन आपके सामने देगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी। द अस्पा दासी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। सन की सुल्तान पागल किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इबन बतूता कहाँ का यात्री था? तो ये था आपका मोरक्को का। भारत आया था किसके काल में? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि मीराबाई समकालीन थे किसके? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वॉरेन हास्टिंग्स ने कब किया था? ये किया था 1772 में। उसके बाद बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये चीजें हो चुकी हैं। वीडियो को मैंने पॉज करा तो थोड़ी बहुत मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम वीडियो को पॉज करते हैं, किसी काम में बिजी हो जाते हैं, बाद में याद नहीं रहता कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। और मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है, हम यहाँ पे थे एग्जैक्ट, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में, और अली नगर की संधि हुई थी 1757 में। हम्पी अवशेष हैं विजयनगर साम्राज्य के, और हम्पी स्थित कहाँ पर है? हम्पी स्थित है आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे। बहमनी राज्य का संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन गंगू, और बाबर की डेथ हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त का रीजन था इसके पास थी तोप की खाने। जी हाँ, इसके बाद इसने विजय प्राप्त की। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और पानीपत का पहला वॉर हुआ था 1526 में, बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। उसके बाद हम बात करते हैं पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, और लंपट मूरख कहा जाता है जहांदार शाह को। उसके बाद बात करते हैं अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। सर्वाधिक धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था आपका अकबर। अकबर को दफनाया गया था सिकंदर में, मतलब सिकंदरा में, और अकबर का संरक्षक था बैरम खां। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर के। और दीन ए इलाही या तोहिद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 में। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम खां। और आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे आपके मोहम्मद गौस। पेज नंबर 148। हुमायूं नामा के रचनाकार थी गुलबदन बेगम। और फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। सप्ताह के सातों दिन सात रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? तो वो था आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने किया था? ये किया था मीरक मिर्जा गयास ने। ये प्रधान कारीगर थे, इन्होंने इसका निर्माण करा था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के, और बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरशाह से। और मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो था आपका औरंगजेब। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच में। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी जो थी राबिया उद दुरानी का मकबरा, उसकी याद में ये मकबरा बनाया था। हजार दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन स्टार्ट किया था शेरशाह ने। और शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगेन बोल रहा हूँ, शेरशाह की डेथ हुई थी कहाँ पे? कालिंजर में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर
साहे बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोधी के मकबरे में। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का, और टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। किसने लगाया था? ये लगाया था टीपू सुल्तान ने। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का बन सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को, और तैत्य टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्ट प्रधान, और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरे नगर में। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में, और श्री हर मंदिर साहिब को बनवाया था, मतलब स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में, उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ हुआ था, जो करा था वो करा था गुरु अंगद ने, और गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में। ये बात मैं अपने पिछले दो तीन वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सिखों के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को शहीद करवाया था, मतलब उनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। क्यों करवाई थी? उन्होंने इस्लाम को स्वीकारने से मना कर दिया था। बस औरंगजेब को गुस्सा आया, उसने नौवे गुरु कौन थे याद रखना, नौवे गुरु का नाम क्या, गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी, इनका सर कलम करवा दिया। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भीकाजी रुस्तम कामा। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को, कहां से? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय है, याद रखना द्वितीय है, दो थे प्रथम और द्वितीय है। यहाँ पे 1857 के समय जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वो थे आपके मिर्जा गालिब। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग जो था वो था आपका हंटर आयोग। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, उस समय लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड थे उस समय हार्डिंग। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, और प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? वो था डुप्ले। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ होम को, जो स्कॉटलैंड का क्या था, वासी था। अगला है 149। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में। अंग्रेज इसमें क्या हुए? विजय हुए। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में, गरम दल नरम दल दोनों में ये डिवाइड हो गया, और बाद में 1916 में ये दोनों एक हो गए। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड मिंटो। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, मतलब 1893 में, और वापस आए थे गांधी जी अफ्रीका से 1915 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और इसका पूरा श्रेय जाता है सलीम उल्ला और आगा खां को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है चौधरी रहमत अली को। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने, ये थे उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। काला कानून अंधा कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह, और 1917 में ये स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था आपका वास्को डी गामा। और भारत में ये कब आया था? ये आया था 1498 में, और कहाँ पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कालीकट में। दूसरी बार वास्को डी गामा अगेन आया था, तो ये आया था 1502 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था और कब? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में। खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने। धन का निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया था किसने? ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इनको वृद्ध मैन भी कहते हैं, ओल्डेस्ट मैन भी कहते हैं इनको, तो आप ये याद रखना। जो भी आप लोग फॉर्मूले यूज़ करते हैं ना अपने, NNP कैसे निकालते हैं, GDP कैसे निकालते हैं, ये सभी फॉर्मूले जो इन्वेंट करे थे, खोज करी थी, दादा भाई नौरोजी ने ही बनाया था इनको।
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में, इंडिया गेट 1921, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था 1921 में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में, ब्लैक पगोड़ा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, आजाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। उसके बाद हम बात करते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब की थी इसकी स्थापना? 23 अक्टूबर 1943 को। स्वतंत्र भारत के झंडे को जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल योर एग्जाम, पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, फिर हुआ था सेकंड 1931, थर्ड हुआ था 1932, और तीनों सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने, और सेकंड जो राउंड टेबल हुई थी उसमें बी आर अम्बेडकर और महात्मा जी दोनों ने ही भाग लिया था। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ था, और भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिंटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? स्टार्ट किया था लॉर्ड लिंटन ने, रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। 1878-1882 दोनों ही वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, इसको कहीं पे पेन डाउन कर लीजिए। अगर आप बुक लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ इसको कहीं पर अपने पेपर पे पेन डाउन कर लीजिए। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, कब की थी? 1781 में, और फर्स्ट हुआ था स्टार्ट मदरसा कैलकटा में। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 में। पेज नंबर 150, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंग ने। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल को। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। और असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय रहा था आपका लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है आपके सामने कि जापान की नाट्य शैली है आपकी काबुकी, और गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो ये किया था विलियम विलिकिन्स ने। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था, तो इसमें देशों ने भाग लिया था टोटल 37, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के मध्य। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 8 सितंबर 1941 को। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में इटली में 1300 ईस्वी में। सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 1922 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई सोलवा के काल में 1789 में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था किसने? गैरी बॉल्डी ने। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। द लास्ट सुपर एवं मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो ये थे आपके लियोनार्डो दा विंची। वर्षाय की संधि 28 जून 1919 को हुई थी, और पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम का नाम था आपका लिटिल बॉय। सेकंड नागासाकी
9 अगस्त 1945 फैटमैन बम का नाम था। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को। लेडी विद द लैम्प, कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटेंगल को, ये थी इंग्लैंड की। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लागू किया गया था। दास कैपिटल ये पुस्तक है, इसके रचनाकार थे कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, टोटल 41 वीडियो नहीं वॉच करे हैं, तो आप जाइए स्पीडी रेलवे जीके की प्लेलिस्ट में, या फिर वीडियो के एंड में मैं आपको इसका थंबनेल दिखा दूंगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट उन सभी वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है आपको इसका लिंक, उस लिंक पे क्लिक करें, डायरेक्ट प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो ध्यान से देखिए। अपने पास ये बुक रखिए, उसके पॉइंट को हाईलाइट करिए और उसका रिवीजन डायरेक्ट करिए अपनी बुक में से, ठीक है। केवल आपको हाईलाइट करना है, एक बार वीडियो देखना है, सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे अपनी बुक में से। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक फेसबुक व्हाट्सअप जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं वैसे इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ रिवीजन जरूर करना। बुक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो देखते समय अपने नोट्स तैयार जरूर करना। थैंक्स।